वेलकम गाइस इन माय चैनल। आज हम बहुत ही खूबसूरत कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है द विकेड मनी लेंडर, मीन्स धूर्त मनी लेंडर जो पैसे उधार देते हैं उनको कहते हैं। तो गाइस अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत वक्त पहले, देयर लिव्ड अ वेरी रिच मनी लेंडर। एक बार एक बहुत ही अमीर मनी लेंडर रहा करता था, कन्हैया लाल। उसका नाम था कन्हैया लाल। ही वॉज़ अ माइजर, वह एक कंजूस व्यक्ति था। ही यूज़ टू चीट द पुअर, और वह गरीबों को चीट करता था एंड अनएजुकेटेड विलेजर्स को चीट करता था बाई टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज इंटरेस्ट। अपने पैसे पर बहुत बड़ा इंटरेस्ट ब्याज लेकर के गांव वालों से धोखा वो करता था। द पुअर विलेजर्स, जो गरीब गांव वाले थे, हैड नो ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू बोरो मनी। लेकिन उन्हें मनी बोरो करनी पड़ती थी फ्रॉम कन्हैया से। फॉर इन दोज डेज, उन दिनों में देयर वर नो बैंक्स वेयर दे कुड गेट लोन्स। उन दिनों में कोई बैंक भी नहीं होते थे जहाँ से वो लोन ले सकते थे। एज़ यू कैन इमेजिन, जैसे कि आप कल्पना भी कर सकते हो, कन्हैया वॉज गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाई डे। और जो कन्हैया था वो दिनों दिन अमीर होता जा रहा था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस इन द मार्केट, बाजार में बहुत व्यापार करने के बाद, कन्हैया वॉज रिटर्निंग होम। कन्हैया अपने घर वापस आ रहा था एंड ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, ही लॉस्ट अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसका सोने के सिक्कों का एक बैग खो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ अ गोल्ड कॉइन टू एनीवन हु फाउंड एंड रिटर्न्ड हिज बैग। अगले दिन कन्हैया ने अनाउंस किया कि जो उसके बैग को वापस ला कर के देगा वह उसे एक सोने का सिक्का इनाम में देगा। नाउ देयर वर 20 कॉइन्स इन द बैग, अब बैग में 20 कॉइन्स थे। इन हिज अनाउंसमेंट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट, उसने इस फैक्ट को मेंशन नहीं किया अपने अनाउंसमेंट में। बिकॉज ही हैड थॉट ऑफ ए प्लान टू अवॉइड गिविंग द रिवॉर्ड, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान था जिससे कि उसको इनाम भी देना ना पड़ता। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ पुअर फार्मर कॉल्ड भोला, एक गरीब किसान जिसका नाम भोला था, केम टू कन्हैयाज हाउस, वो कन्हैया के घर आया। ही हैड फाउंड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड वॉन्टेड हिज रिवॉर्ड, वो चाहता था उसका गोल्ड कॉइन का जो बैग था वापस करना, उसको मिल गया था और उसे अपना इनाम लेना था। कन्हैया टुक द बैग, कन्हैया ने बैग लिया एंड काउंटेड द मनी, और पैसों को काउंट किया। देर आर 20 कॉइन्स इन दिस बैग, उस बैग में 20 कॉइन थे। ही सेड, उसने कहा, व्हेन आई हैड लॉस्ट इट, जब मैंने इसे खो दिया था, द बैग कंटेन 21 कॉइन्स, के जो ये बैग था इसमें 21 कॉइन्स थे। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि यू हैव ऑलरेडी टेकन योर रिवॉर्ड, कि तुमने पहले ही अपना रिवॉर्ड ले लिया है। भोला वॉज स्टंड, भोला हैरान रह गया। गॉड इज़ माई विटनेस, भगवान मेरा गवाह है, आई हैड नॉट ओपन योर बैग, मैंने तो तुम्हारा बैग खोला भी नहीं। ही सेड, उसने कहा, गेट आउट ऑफ माई हाउस यो लायो, मेरे घर से निकल जाओ तुम झूठे, शाउटेड कन्हैया, कन्हैया चिल्लाया। इन हिज एंगर, अपने गुस्से में, भोला वेंट स्ट्रेट टू द विलेज, भोला सीधा गांव गया मुखिया एंड टोल्ड हिम, मुखिया के पास, और उससे कहा द होल स्टोरी, पूरी कहानी मुखिया से। द मुखिया कॉल्ड कन्हैया एंड सेड, मुखिया ने कन्हैया को बुलाया और कहा, व्हेन यू लॉस्ट द बैग, जब तुमने बैग खोया था, हाउ मच मनी वॉज देयर इन इट, तो उसमें कितने पैसे थे? 21 गोल्ड कॉइन्स, कन्हैया ने कहा। हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग दैट भोला फाउंड, तो जब भोला को ये बैग मिला तब उसमें कितने कॉइन्स थे? 20 कॉइन्स, कन्हैया ने कहा। इट सीम्स दैट भोला हैज़ फाउंड सम अदर लॉस्ट बैग, ऐसा लगता है कि भोला को कोई दूसरा खोया हुआ बैग मिला है। बिकॉज योर्स हैड मोर मनी इन इट, क्योंकि तुम्हारे बैग में तो और ज़्यादा पैसे थे। सिंस नो वन हैज़ क्लेम्ड दिस बैग, और इस बैग को किसी ने क्लेम भी नहीं किया है, तो भोला कैन कीप इट, तो भोला ही इस बैग को रखेगा। डिसाइडेड द मुखिया, मुखिया ने डिसाइड किया। दस ही टॉट कन्हैया ए लेसन विच ही वुड नेवर फॉरगेट, और इस तरीके से मुखिया ने एक लेसन सिखाया कन्हैया को जिसको वो कभी भी नहीं भूलेगा।
मीन्स उन्होंने कहा कि तुम्हारे बैग में तो 21 कॉइन है और इसमें है बैग, इसका मतलब ये तुम्हारा कॉइन ही, वो तुम्हारा बैग ही नहीं है, ये बैग किसी और का है और किसी ने इसको क्लेम नहीं किया है अभी तक, तो ये बैग जो भोला है यही रखेगा। तो इस तरीके से उसके लालच का उसे बुरा फल मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ आई होगी। कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, एनी कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो प्लीज़ आप मैसेज करिए एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।